नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, मोटापा, और खासतौर से महिलाओं के अंतर्गत मोटापा। ये एक ऐसी समस्या है जो न केवल आपकी सुंदरता को बिगाड़ती है बल्कि आपके शरीर के अंदर जाकर के बहुत सारी दूसरी समस्याओं को पैदा करती है, जिसमें डायबिटीज से लेकर तमाम बड़ी बड़ी समस्याएँ शामिल हैं। और इस समस्या से हर व्यक्ति निजात पाना चाहता है, खासतौर से महिलाएं तो अपनी सुंदरता के लिए बिल्कुल चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी वो उनका मोटापा कंट्रोल हो, और इसके लिए वे कई तरह के ट्रीटमेंट्स और मेथड्स को अपनाती हैं। उनमें से एक होती है लिपोसक्शन, जो कि अच्छी मेथड है, लेकिन इसमें भी कई तरह की चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से इसकी एक लिमिटेशन के चलते और उसके डिसएडवांटेजेस के चलते वे चाहती हैं कि कोई सेफर साइड पर जाया जाए और ऐसी कोई उनको ट्रीटमेंट मिले जो कि सेफ भी हो और उनको बहुत कम एफर्ट के साथ साथ अच्छा रिजल्ट भी दे सके। ऐसी एक मेथड मध्य प्रदेश में पहली बार इंट्रोड्यूस होने जा रही है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसके लिए पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेथड क्या है, यह जानने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल के पास, जो कि शहर की जाने मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और आपने हाल ही में इस मशीन को अपनी एक नई यूनिट जो उन्होंने स्थापित की है उसमें चालू किया है, और उसको किस तरह से वो मशीन आपकी हेल्प कर सकती है वो आज हम वो बताएंगे। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम जानना चाहेंगे कि जो मोटापा है वो कितनी सीरियस प्रॉब्लम है और उसको दूर करने के लिए कौन से ऐसे एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर एफर्ट ना करना पड़े और उसमें अच्छे रिजल्ट आ जाए तो क्या किया जाना चाहिए। ये देखिए, मोटापा जो है वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट बीमारी हम बोल सकते हैं, है ना। माल नरिशमेंट दोनों तरह से हो सकता है, एक वो वजन ज़्यादा के रूप में भी हो सकता है, वजन कम के रूप में भी हो सकता है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ माल नरिशमेंट जो कि हमें ओबेसिटी या मोटापे के रूप में, और ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी है आज की तारीख में, जो कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने पान, और एक आप अधिकतर चीज़ों के लिए हम मशीनों पे डिपेंडेंट हैं, इवन दरवाज़ा खोलने के लिए भी हम रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो फिज़िकल एक्टिविटी आज से 50 साल पहले हम लोग या सब लोग करा करते थे, वो फिज़िकल एक्टिविटी अब नहीं के बराबर है। पैदल चलना बंद है, हमें यहाँ से अपना किराने की शॉप तक भी जाना हो तो भी हम प्रेफर करते हैं कि हम गाड़ी से जाएं। तो एक तरह से हमारी खुद की लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार है हमारे इस मोटापे के लिए। साथ में जो हमारा डाइट है कि पैकेज फूड ज़्यादा खाना, अब पैकेज फूड में इतने सारे फैट्स होते हैं, इतना सॉल्ट होता है, तो ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वेट गेन करने के। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि हमारी लाइफस्टाइल सबसे बड़ी उसके लिए जिम्मेदार है, फिर दूसरा हमारा खान पान जिम्मेदार है, लाइफस्टाइल का ही पार्ट होता है ये। तो इसमें जैसे अब मोटापा हो ही गया है और लगभग हर दूसरी महिला को मैं देख रहा हूँ या पुरुषों में भी देखने की, काफ़ी बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो मोटापे से पीड़ित है, तो ये जो समस्या है ख़ास तौर से महिलाओं में जो पेट पर आती है, तो बात आती है कि उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ज़्यादातर जो एक परंपरागत तरीका है जिसको कि लिपोसक्शन के नाम से जानते हैं, तो ये लिपोसक्शन क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, लाइपोसक्शन उसको हम ब्रेक करेंगे अगर, कि लाइपो मीन्स लिपिड, लिपिड मीन्स फैट, एंड सक्शन मीन्स कि किसी चीज़ को, उस चीज़ को खींच के निकाल देना। तो जब हम बॉडी में से फैट को खींच के सक करके निकालते हैं, उस प्रोसीजर को हम लाइपोसक्शन बोलते हैं। अब ये लाइपोसक्शन, जाहिर सी बात है कि हम आपकी बॉडी में से कुछ खींच के निकाल रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए एक इट इज़ अ ऑपरेशन, है ना। तो अब कोई भी अगर बॉडी में सर्जरी होनी है तो उसके लिए आपको पहले आपके सारे मेडिकल टेस्ट होंगे। अगर डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या उसके अलावा कोई भी मेडिकल कंडीशन है, तो उन सारी कंडीशंस में हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये रही कि इससे फैट सेल्स निकल ज़रूर जाएंगे, बट क्योंकि वो फैट को लिक्विफाई करके निकाला जा रहा है, तो वो उस समय इमिजिएट जितना निकल गया वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 7 से 8 से 10 दिन तक फैट लिक्विफाई होके बॉडी में से निकलता रहता है। उसके लिए एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ज़रूरी होती है कि वो जो वूंड या इंजरी हमने करी है, जिस पोर्ट से वो फैट के सेल्स बाहर निकलेंगे, वहाँ पे किसी भी तरह से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए।
तो उसके लिए एक हमें हॉस्पिटल में लॉन्ग स्टे की ज़रूरत हो जाती है। फिर फैट निकालने के बाद जो वहाँ पे एक गैप रह गया है, जो बॉडी में जो एक एम्प्टी स्पेस हो गई है, वो एम्प्टी स्पेस वापस चिपक जाए, उसके लिए फिर कुछ तरह की बेल्ट होती हैं, बाइंडर्स होते हैं जो कि अप्लाई करने पड़ते हैं, विच इटसेल्फ आर वेरी जिसे कहना चाहिए कि डिसकम्फर्ट देने वाले होते हैं। स्किन लूजनिंग भी हो जाती है, लटक जाती है, स्किन भी लूजनिंग हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ से फैट तो हमने निकाल दिया लेकिन वहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स हम नहीं बना पाए, तो वो स्किन वहाँ से डूप होने के और एक स्किन सैगिंग जिसको बोल सकते हैं, वो वाली प्रॉब्लम उसमें हो जाती है। साथ में एक बहुत मेजर इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब हम फैट निकाल रहे हैं वहाँ से, सक आउट करके निकाल रहे हैं, तो वहाँ की ब्लड वेसल्स को भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो यदि उसका फैट का कोई भी एक मॉलिक्यूल ग्लोब्यूल ब्लड वेसल के अंदर चला गया, तो वो जाके और आपके लंग में या कहीं हार्ट में एक ब्लॉक दे देता है, जिसको फैट एम्बोलिज्म बोलते हैं, और मेडिकल भाषा में ये एक बहुत ग्रेव कंडीशन है जिससे कि मरीज की जान भी जा सकती है, और पीपल हैव नोन टू डाइड बिकॉज ऑफ लाइपोसक्शन ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म। जी, मतलब लाइपोसक्शन से ज़्यादा खतरनाक ये है कि अगर वो उस दौरान वो चीज़ें अगर आपकी ब्लड वेसल में चली गई जी, तो वो जा करके कहीं भी आपको, तो अब इसमें किसी भी तरह से कोई डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होता, बट ये एक सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है जो कि किसी के साथ भी हो सकता है, प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन है जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। तो इन एंड ऑल देखा जाए तो लाइपोसक्शन हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते किसी को कि आप ये कराओ, क्योंकि उसके खुद के डिसएडवांटेज और ये सारे कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा है। जी मैम, अब इसके बाद बात आती है कि अगर इस कॉम्प्लिकेशन से कोई बचना चाहता है और वो चाहता है कि ना हॉस्पिटल स्टे हो, ना ही एनेस्थीसिया से गुजरना पड़े, ना ही सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़े, और ना ही किसी तरह का वो रिस्क लें, तो क्या ऐसा अल्टरनेट और है अवेलेबल जिससे कि सेफली आप अपने मोटापे को भी कम कर लें और आपको इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है उससे भी आप बच सकें? जी, अब देखिए एक तो तरीका है डाइटिंग और वो सारी चीज़ें है ना, उसके साथ में यदि हम एक एड ऑन करना चाहें अपनी लाइफस्टाइल के साथ में कि जिससे हमें रिजल्ट्स जल्दी मिले, तो एक अब हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम स्पेशली जो एब्डोमेन पे ही फैट अधिकतर डिपॉजिट होता है, बट पीछे हिप्स के वाले एरिया पे भी, पीछे बैक पे भी हो सकता है, तो उसमें हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सेस देते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है क्रंचेस, तो यदि हम इस पर्टिकुलर मशीन से अगर हम आधे घंटे की सिटिंग लेते हैं तो वो आपको करीब 3000 क्रंचेस के बराबर की मसल एक्टिविटी आपको उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलस से मिल जाती है। तो यदि आप ये हर 3 दिन में उसका 10 से 12 सिटिंग होती है, यदि आप एवरी 3 डेज ये आप सिटिंग्स ले रहे हो, तो धीरे धीरे वहाँ की मसल बनने लगती है, और जब मसल बनती है तो एज अ उसका साइड इफेक्ट वहाँ उसके मसल के ऊपर जो फैट सेल्स हैं वो श्रिंक होके और लिक्विफाई होके और वो बॉडी के जरिए, बॉडी लिम्फ के जरिए, ब्लड के जरिए वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो और साथ में इलास्टिन फाइबर भी हम उसको कुछ और मेथड ऐसे होती हैं जिससे कि हम अंदर का जो इलास्टिन या कोलाजन है हम उसको न्यू बनवा सकते हैं। तो ये 2-3 मशीनें अगर इनको हम साइड बाय साइड कंबाइन करके अगर इन दोनों तीनों से हम थेरेपी देते हैं। मशीनें आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये क्या कहलाती हैं, उनके नाम बताएंगे क्या और किस तरह से वो काम करती हैं? जी देखिए, एक तो जो अपन जिससे क्रंचेस या हम इसको स्टिमुलेट करते हैं मसल को, उसको हम एम शेप है उस मशीन का नाम, एंड I think I am the only person who is having this machine in all of MP. जी, तो दर्शकों ये मध्य प्रदेश की पहली मशीन लाने का डॉक्टर प्रवीणा को श्रेय जाता है, और ये मशीन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं M शेप के। जी, तो इससे वो इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलस से मसल को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो न्यू फाइबर बनाए। जी, और साथ ही एक मशीन होती है उसको बोलते हैं HIFU. This is High Intensity Focused Ultrasound. तो उसमें हम कुछ अल्ट्रासाउंड वेव्स के जरिए, ये भी एक नॉन इन्वेजिव नॉन ऑपरेटिव तरीका है, तो उसमें हम
एक 4.5 mm की डेप्थ पे जाके और थर्मल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से वहाँ पे न्यू कोलेजन या न्यू इलास्टिक फाइबर्स बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है, आप ये मान के चलिए कि करीब 2 से 3 महीने में आपको उसका पूरा इफेक्ट दिखेगा। बट इनिशियली और द मोस्ट एडवांटेजेस कि आपको इसमें कहीं भी कोई सर्जरी नहीं हो रही, कहीं आपको हॉस्पिटल स्टे नहीं है, ये एक ऑफिस प्रोसीजर है। आप आएंगे इस करवा के, आप 1 घंटे में आप घर वापस जा सकते हैं। इसके लिए उसके बाद कोई बेड रेस्ट या कोई मेडिकेशन नहीं चाहिए हमें। इसके बाद कोई मेडिकल कंडीशन अगर है आपकी तो भी उसमें भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि कोई सर्जरी या मेडिकेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हम एक पैसिव एक्सरसाइज हम करा रहे हैं आपकी बॉडी में, और उसके बाद फिर आप उसके रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं जानना चाह रहा था कि दर्शकों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इसके बाद क्या, कि ये वापस आएगा या इसको हम कैसे मेंटेन आगे रखेंगे। देखिए, एक ही साइकोलॉजिकल चीज है कि वंस आपने वेट लूज कर लिया, आपको जो जिस साइज के कपड़े आप पहले पहन रहे थे उससे स्मॉलर साइज के कपड़े आपको आ रहे हैं, तो आप इंसान खुद ही ट्राई करते हैं कि उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए। एक ये बूस्ट मिलता है खुद को ही दिमाग में कि हम अभी सब इतनी सारी चीजें हम करवा रहे थे बट उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब एक बार जब हमें रिजल्ट मिल गया है तो अब हम उसको मेंटेन करें। एंड ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको कि आप हर 1.5-2 साल में आप अगर फिर से रिपीट करा लें तो ये चीजें फिर मेंटेन हो जाती जी। तो मैम, हमारे दर्शकों के दिमाग में एक प्रश्न अब जरूर कौंध रहा होगा कि ठीक है, उन्होंने लिपोसक्शन को छोड़ दिया, उसको नहीं कराएंगे, लेकिन अगर इस मेथड पर वो जाते हैं, जैसा कि आपने बताया काफी सेफ मेथड है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में आप डेवलप कराते हैं, इलास्टिसिटी से लेकर तमाम चीज़ें हैं जो एक नेचुरल तरीके से आपकी मोटापे को घटाने का काम करती हैं, तो कॉस्ट का जब फैक्टर आता है तो वो कितना इसमें देखने योग्य है और कितना अफोर्डेबल ये ट्रीटमेंट है। देखिए, हम एक तरह से ये कर सकते हैं कि कंपेरेबल ही रहेंगे लाइपोसेक्शन और ये दोनों प्रोसीजर्स। कॉस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बिकॉज लाइपोसेक्शन खुद ही में एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और जो कि हर कोई नहीं कर सकता, कॉस्मेटिक सर्जन्स ही कर पाते हैं उसको, तो वो खुद ही एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ये भी क्योंकि हाई एंड मशीन्स हैं तो ये भी थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर रहता है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि लाइपोसक्शन में आपको एट वन गो उतना पूरा एक्सपेंस करना पड़ता है, यहाँ पे क्योंकि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं तो ये जो आपका एक्सपेंसेस है वो डिवाइड हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 1.5 से 2 महीना अगर पूरा लगेगा तो उसमें वो डिवाइड हो जाता है। तो हेल्थ और अपनी इसमें कोई लाइफ रिस्क इन्वॉल्व नहीं है जो कि लाइपोसक्शन में डायरेक्टली है, तो इसलिए आई वुड से कि दीज आर बेटर, क्योंकि बॉडी खुद जनरेट कर रही है, हम बॉडी में से कुछ निकाल नहीं रहे, हम बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं कि अपनी खुद की हेल्थ और अपना खुद का इलास्टिन वो न्यू कोलेजन जनरेट करे और फिर आपका एफर्ट कि आप उसको मेंटेन करें। जी जी, तो थैंक यू सो मच मैम आज की जानकारी के लिए। दर्शकों, आज आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपको बिना किसी एफर्ट के आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, और ये सुविधा शायद मेल और फीमेल मैम दोनों ही के लिए है। जी, कोई भी कर सकता है जी। तो ये सुविधा ऐसी है कि मशीनों के जरिए मेल और फीमेल दोनों ही अपने जो फैट है उसका लॉस कर सकते हैं और अपने आप को फिट एंड दुरुस्त बना सकते हैं। साथ ही आपको जब आप मोटापा कम हो जाता है तो जब आपके आप कम साइज के कपड़े आप पहन पाते हैं तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस की बात आती है और सुंदरता में तो चार चांद लगते ही लगते हैं आपके। तो आप ट्राई कीजिए इस टेक्नोलॉजी को और देखिए कैसे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैडम आज की जानकारी के लिए। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक यू।